अलीगढ़ से दिल्ली तक, जयपुर से लखनऊ तक, कर्नाटक से मुंबई, हिंदुस्तान तैयार। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में दहशत बढ़ा रहा है। दुनिया के कई देशों में पाबंदियों का दौर जारी है, तो हिंदुस्तान भी अलर्ट है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के दो केस मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाई लेवल मीटिंग की और कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। इसके मुताबिक अब कर्नाटक में हर दिन 1,00,000 टेस्ट होंगे। ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। सभी पुराने स्पेशल डिपार्टमेंट दोबारा एक्टिव किए गए। बेंगलुरु समेत सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। स्कूलों में अब कोई इवेंट नहीं होगा। शादी समारोह में 500 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर सिनेमा हॉल, मॉल में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। साथ ही साथ कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे यात्रियों की नेगेटिव सर्टिफिकेट की जांच होगी। कर्नाटक अलर्ट है तो राजस्थान भी सतर्क है। जयपुर में करीब एक हफ्ते पहले दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे एक परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आए करीब 12 लोगों में से 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनको आइसोलेट करके RUHS के अंदर एडमिट कर लिया गया है और उनका जो सैंपल पॉजिटिव आया उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रोसीड कर दिया गया। साथ ही उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में 5 कॉन्टैक्ट्स और है जो कि पॉजिटिव डायग्नोस हुए, तो टोटल 9 सैंपल जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए SMS मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भिजवा दिए गए हैं। राजस्थान के बीकानेर में एक साथ 10 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लंबे समय के बाद बीकानेर में इस तरह का कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हालांकि ये लोग कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं, इसकी जांच अभी हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जांच बढ़ा दी है। बीकानेर जिले में 10 पॉजिटिव केस आए हैं, तो आज दांतों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। रोज के मुकाबले आज दांतें ज्यादा हो रही है। जैसे आज सुबह प्रातः से 2 घंटे में हमारे कम से कम 60-70 सैंपल हो चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए रांची में भी अलर्ट है। बाहर से आ रहे यात्रियों की जांच नई गाइडलाइंस के मुताबिक की जा रही है। रांची का एयरपोर्ट पूरी तरह से अलर्ट पर है। यहाँ पे आप तस्वीरें दिखाते हैं किस प्रकार से जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जो उनका जो वैक्सीनेशन का डबल डोज लिए हैं या नहीं लिए हैं, या फिर जो कितना पुराना उनका कोविड जांच रिपोर्ट है, तमाम चीज़ों का वो यहाँ पर रिपोर्ट देखा जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कहें तो तमाम जो तैयारियाँ हैं या फिर कहें कि जो हाई अलर्ट मोड है, एयरपोर्ट हाई अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर शहर शहर अलर्ट है, हिंदुस्तान तैयार है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन जरूरी यह है कि हम भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि जरा सी चूक कोरोना के खतरे को और बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।